हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 सब्ट्रैक्ट ऑफ 4 अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 498 फ्रॉम 590, हमने 498 किससे हम सब्ट्रैक्ट करना है, 590 तो हम कैसे राइट करेंगे, 590 माइनस 498। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, 9 से हम यहां के लिए बोरो करेंगे, हम बचते 8, यहां गए 10, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 2, 8 में से 9 18 सब्ट्रैक्ट किया, हो गया हम बचते 4, यहां गए 18, 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 9, 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 0, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 92। अब नेक्स्ट हमारे पास है 748 फ्रॉम 900, तो हमने 900 में से 748 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, नेक्स्ट 0 में से हम बोरो नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 9 में से बोरो करेंगे, यहाँ बच गए 8, यहाँ आगे 10, जो हम यहाँ के लिए फिर से बोरो करेंगे 10, तो यहाँ बच गए 9, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 2, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 5, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 1, तो जब हमने 748 फ्रॉम 900 से सब्ट्रैक्ट किए 748, तो हमारे पास आंसर आ गया 152। अब थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है 548 फ्रॉम 971, तो हमने 971 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 546, सो नाउ 1 से 6 जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बोरो करेंगे हम 11, 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 5, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 2, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 4, तो जब हमने 546 को 971 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आएगा 425। एंड नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 0 फ्रॉम 211, जब हमने 0 को इससे माइनस करना है, आपको पहले बताया कि हम जब भी किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वही नंबर जो है एज इट इज आ जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इजी था, सिंपल था, जैसे आपने बाकी सब सेक्शन में क्वेश्चन किया।